मत कर। अरे बच्चों नमस्कार, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कड़ी में वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मैथड के ऊपर बात करेंगे। अभी तक हम लोग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को लीस्ट कॉस्ट मैथड और नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मैथड से सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग सॉल्व करेंगे बाय वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मैथड। तो स्टूडेंट्स, वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मैथड में बेसिकली जो हमें करना होगा वो थोड़ा सा अलग होगा लीस्ट कॉस्ट और नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मैथड से। यहाँ पर हम लोगों को रो और कॉलम्स के लिए पेनल्टीज को पहले कैलकुलेट करना पड़ता है, क्योंकि उन पेनल्टीज से ही डिसाइड होता है कि हम किस सेल को सिलेक्ट करेंगे या किस रो या कॉलम के सेल को सिलेक्ट करेंगे कि पहले उसमें एलोकेशन किया जाए। तो पेनल्टीज हम लोगों को रो और कॉलम्स के लिए कैलकुलेट करनी पड़ेगी। पेनल्टीज को कैलकुलेट करने के लिए स्टूडेंट्स, उस पर्टिकुलर रो में जो सबसे छोटे दो एलिमेंट्स होते हैं उनका डिफरेंस हम लोगों को उस रो के सामने लिखना होता है, वही रो पेनल्टी कहलाती है। उसी तरह हर कॉलम के दो सबसे छोटे एलिमेंट्स का जो डिफरेंस होता है वो हमें करना होता है और उस कॉलम के नीचे लिखना होता है, वही उस कॉलम का पेनल्टी कहलाता है। ठीक, जब ये रो और कॉलम यानी हर रो की पेनल्टीज को और हर कॉलम की पेनल्टीज को हम लोग निकाल लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं, तो जो सबसे बड़ी पेनल्टी होती है उसके करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को सिलेक्ट किया जाता है। देन इसके बाद में उस रो या कॉलम में जो सबसे मिनिमम एलिमेंट होता है वहां पर उस सेल को सिलेक्ट करते हुए डिमांड और सप्लाई देखी जाती है, जो मिनिमम होता है वो वहां पर एलोकेट कर दिया जाता है स्टूडेंट्स। तो ये प्रोसीजर एलोकेशन हुआ इसके लिए अडॉप्ट किया जाता है। तो जैसे ही उस सेल में एलोकेशन होगा देन इसके बाद में जो भी डिमांड या सप्लाई जो भी एग्जॉस्ट हो जाएगी उसके करस्पॉन्डिंग रो या कॉलम को कैंसिल कर दिया जाएगा और आगे बढ़ा जाएगा। एंड देन इसके बाद फिर जीरो से स्टार्ट होगा, यानी फिर हर रो के लिए क्या कहते हैं आप रो पेनल्टी निकालेंगे, कॉलम के लिए कॉलम पेनल्टीज निकालेंगे, फिर जो हाइएस्ट पेनल्टी होगी रो चाहे कॉलम की उसको सेलेक्ट करेंगे। एंड देन इसके बाद उस रो या कॉलम में जो सबसे छोटी कॉस्ट होगी उस कॉस्ट को सिलेक्ट करते हुए उसके करस्पॉन्डिंग डिमांड या सप्लाई जो भी मिनिमम होगी उसको वहां एलोकेट कर देंगे। रो या कॉलम जो भी एग्जॉस्ट हो चुकी है उसको कैंसिल कर देंगे और फिर से पेनल्टीज को कैलकुलेट करेंगे। ये प्रोसीजर तब तक चलता जाएगा जब तक कि सारी डिमांड और सप्लाई समाप्त ना हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दिस इज द वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मैथड। और इस वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मैथड का वर्किंग रूल आप लोगों के सामने अब स्क्रीन पर आ गया है, आप चाहें तो इसको एक बार रीड आउट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। तो स्टूडेंट्स, वर्किंग प्रोसीजर की बात में आइए अब हम लोग शुरुआत करते हैं एक क्वेश्चन से, और उस क्वेश्चन को वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मैथड से हम लोग सॉल्व करेंगे। और इस क्वेश्चन को देख के आप लोगों को फिर आइडिया हो गया होगा कि ये वही क्वेश्चन है जो नॉर्थ वेस्ट से भी हुआ था और लीस्ट कॉस्ट से भी हुआ था। तो आइए अब इसी क्वेश्चन को हम लोग वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मैथड से सॉल्व करते हैं और डिफरेंस देखते हैं आंसर में डिफरेंस क्या आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, लुक एट दैट, सॉल्व बाय वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मैथड और क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। जैसा कि हम लोग करते हैं यहां पर हम लोग डिमांड, ये जो डिमांड है और जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है सोल्यूशन में, इसको यहां से हटा देते हैं और अब हम लोग शुरुआत करते हैं सोल्यूशन की। तो सोल्यूशन की शुरुआत स्टूडेंट, सबसे पहले आप लोगों को ये देखना है कि ये बैलेंस्ड है कि नहीं है। ठीक है ना, सिंस गिवन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज बैलेंस्ड, सो By Vogel's approximation method, ठीक है। तो अब Vogel's approximation method को हम लोग apply करेंगे यहाँ पर। तो Vogel's approximation method को apply करने के लिए students हम लोगों को क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पर row penalty and column penalty। तो हमें रो पेनल्टीज और कॉलम पेनल्टीज को कैलकुलेट करना होगा। और जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि रो पेनल्टीज और कॉलम पेनल्टीज को उस पर्टिकुलर रो या कॉलम की जो सबसे दो लीस्ट वैल्यूज होती हैं उनको डिफरेंस करने के बाद निकाला जाता है। तो आप इसमें जरा ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो सबसे लीस्ट वैल्यूज हैं वो है 19 और 10, इन दोनों का डिफरेंस आएगा 9। तो आप यहां 9 लिख दीजिए स्टूडेंट्स। देन इनमें जो डिफरेंस है, जो सबसे लीस्ट वैल्यूज हैं वो है 30 एंड 40 और इनका डिफरेंस है 10, वो 10 आप यहां लिख दीजिए। देन इसके बाद यहां पर जो सबसे छोटी वैल्यूज हैं वो 8 और 20 है, उनका डिफरेंस आएगा 12, वो 12 लिख दीजिए स्टूडेंट। अब कॉलम पेनल्टीज को कैलकुलेट करिए, तो यहां पर 20 और 10 तो डिफरेंस आएगा 10, यहां पर 50 और
40, तो दिस इज द डिफरेंस 10, यहां पर 30 और 8, तो डिफरेंस आएगा 22, बिग डिफरेंस, और यहां पर है 19 एंड 40, तो 19 एंड 40 का जो डिफरेंस आएगा स्टूडेंट्स वो आएगा 21, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स रो पेनल्टीज और कॉलम पेनल्टीज को कैलकुलेट करने के बाद आप देख रहे होंगे कि जो हाईएस्ट पेनल्टी आई है वो आई है 22, तो इस हाईएस्ट पेनल्टी के करेस्पॉन्डिंग जो कॉलम है उस कॉलम को देखिए और उस कॉलम में जो सबसे छोटी कॉस्ट है उसे देखिए। तो कॉलम में हमारे पास 30, 30 और 8 है, तो नो डाउट 8 ही सबसे मिनिमम कॉस्ट है, तो इस मिनिमम कॉस्ट 8 पर जाइए और वहां पर देखिए डिमांड कितनी है और सप्लाई कितनी है। तो डिमांड है 8, सप्लाई है 18, 8 को यहां पर एलोकेट कर दीजिए, इसे कर दीजिए 0, राइट, और ये हो जाएगा 8 के बाद 10। नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट्स, डिमांड पूरी हो गई है इसलिए इसे क्या कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए, ठीक है ना। और जो अब आपके पास में तीन कॉलम्स रह गए हैं उन तीन कॉलम्स की मदद से फिर से रो पेनल्टी और कॉलम पेनल्टीज को कैलकुलेट करिए। अब पेनल्टीज को कैलकुलेट करते समय D2 कॉलम का यूज नहीं किया जाएगा, तो रो पेनल्टीज को फिर से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो अगेन स्टूडेंट्स 40 माइनस 60, तो इट इज 20, देन इसके बाद 40 एंड 20, देन ये रोज खत्म, यहां पर तो ये एज इट इज ही आएगा बच्चों 10, नाउ इट इज ये जा चुका है इसलिए खत्म, और ये 21, यानी कि जो अब अगला हाईएस्ट पेनल्टी आया है वो आया है 21, ठीक, जो कि सबसे बड़ा है। तो इस 21 पेनल्टी के करेस्पॉन्डिंग जो कॉलम है उस कॉलम में देखिए क्या मिनिमम कॉस्ट है, तो आप देखेंगे कि 19 इज द मिनिमम कॉस्ट। अब 90 के करेस्पॉन्डिंग डिमांड देखिए और सप्लाई देखिए, तो डिमांड तो है 5, सप्लाई है 7, तो मिनिमम है डिमांड, तो यहां पर जो 9 है सॉरी जो 5 है उसको एलोकेट कर दीजिए, तो जो डिमांड सप्लाई है वो 2 रह जाएगी और ये खत्म होकर 0 हो जाएगा, और क्योंकि डिमांड पूरी हो चुकी है इसलिए अब ये कॉलम भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब आपके पास केवल दो कॉलम्स बचे हैं, ठीक है ना, जिनको कि आपको रो और कॉलम पेनल्टीज के लिए यूज करना है। तो अब जो नेक्स्ट रो पेनल्टी होगी वो इस 50 और 10 में से डायरेक्ट कैलकुलेट होगी, तो इट बिकम 40, यहां पर हो जाएगा बच्चों 20, यहां पर हो जाएगा 50, ठीक है ना, और यहां पर आ जाएगा अगेन 10 और 10, और ये अब खत्म हो चुके हैं इसलिए यहां पर कुछ नहीं स्टूडेंट। नाउ लुक एट दैट, अब इसको जरा ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, तो अब आप देखेंगे कि जो हाईएस्ट पेनल्टी आई है वो रो नंबर 3 के करेस्पॉन्डिंग आई है 50, तो अब इस रो नंबर 3 यानी S3 में देखिए कि मिनिमम कॉस्ट क्या है, तो आप देखेंगे कि 20 इज द मिनिमम कॉस्ट, और इस 20 पर ध्यान से देखिए विच इज द मिनिमम सप्लाई और डिमांड, तो आप देखेंगे कि सप्लाई 10 है डिमांड 14 है, तो सप्लाई पूरा 10 कर दिया जाएगा, ये सप्लाई खत्म हो जाएगी और डिमांड अभी भी बची है 4, लेकिन क्योंकि सप्लाई पूरी हो गई है इसलिए अब ये रो कैंसिल हो जाएगा। तो अब आपके पास ये दो रो और ये ही दो कॉलम्स बचे हैं, एंड नाउ कैलकुलेशन में या पेनल्टी को कैलकुलेट करते समय अब ये दोनों सेल्स जो है यूज नहीं होंगी, तो फिर से हम कैलकुलेट करें, तो यहां पर फिर 40 आएगा बच्चों, यहां पर आएगा 20, ये खत्म हो चुका है इसलिए कुछ नहीं, यहां पर आएगा 50 बच्चों, ठीक है, ये 10 60 और 50 और ये 10 आ जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक, ये काम का नहीं है, ये भी काम का नहीं है। तो जो हाईएस्ट पेनल्टी आई है वो आई है 50, और 50 के करेस्पॉन्डिंग जो कॉलम है उसमें देखिए मिनिमम कॉस्ट, तो जो मिनिमम कॉस्ट आई है वो मिलेगी आपको 10, तो हाईएस्ट पेनल्टी 50, 10 इज द मिनिमम कॉस्ट इन दैट कॉलम D4, उस 10 को वहां पर सॉरी 10 यहां पर एलोकेशन नहीं होगा, 10 तो कॉस्ट है, और इस 10 मिनिमम कॉस्ट के करेस्पॉन्डिंग डिमांड सप्लाई देखिए डिमांड देखिए, डिमांड है 4, सप्लाई केवल 2 है, एंड दिस इज द मिनिमम, तो यहां पर 2 को क्या कर दीजिए, एलोकेट कर दीजिए, तो सप्लाई खत्म हो जाएगी लेकिन डिमांड अभी भी 2 बाकी है,
तो क्योंकि सप्लाई खत्म हो गई बच्चों, तो अब आप इस कॉलम को भी क्या सॉरी इस रो को क्या कर देंगे कैंसिल। तो अब आपके पास केवल दो सेल्स ही रह गई हैं जिनकी टोटल सप्लाई 9 है और जो टोटल डिमांड है वो भी 9 है। तो हर सेल में जिसकी जितनी डिमांड है उतनी उसको एलोकेट कर दीजिए। तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 7 और यहाँ पर आ जाएगा 2। तो इस तरह से सारी सप्लाई खत्म और सारी डिमांड भी खत्म हो जाएगी। और इस तरह से इन रो पेनल्टीज और कॉलम पेनल्टीज को करते हुए आप फाइनली सारी डिमांड पूरी कर चुके हैं और सारी सप्लाई खत्म कर चुके हैं। ठीक है, नाउ वी आर इन पोजीशन टू राइट डाउन द इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। तो आप देखेंगे कि हियर द इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन बाय VAM इज, आपके पास क्या आया बच्चों इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, तो वो आया है x11 इज इक्वल्स टू 5, x14 इज इक्वल्स टू 10, नॉट 10, 2, x23 इज इक्वल्स टू 7, x24 is equals to 2, x32 is equals to 8, x34 is equals to 10 instruments। and ये जो initial basic feasible solution आया है इसकी मदद से जो minimum transportation कॉस्ट है वो आएगी बच्चों 5 × 19 प्लस 2 × 10 प्लस 7 × 40 प्लस 2 × 60 प्लस 8 × 8 प्लस 10 × 20 एंड दिस इज इक्वल्स टू 779 रुपी स्टूडेंट्स। And look at that minimum transportation cost. Northwest corner method or least cost method की अपेक्षा VAM से same question की जो minimum transportation cost आई है वो 779 आई है, जबकि Northwest से आ रही थी student 1015, least cost से आपको मिल रहा था ये लगभग 814 और यहाँ पर मिला है आपको 779। It means that कि this method gives you the बेस्ट और द मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट देन द लास्ट टू मैथड्स। इट मीन्स दैट कि इस मैथड से मिला हुआ इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ज्यादा एक्यूरेट और ज्यादा सुटेबल है आगे के कैलकुलेशंस के लिए। यानी कि मेरा कहने का मतलब यह है कि जब हम ये टेस्ट करना चाहें कि ये जो सॉल्यूशन आया है ये ऑप्टिमल है या नहीं है, तो वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मैथड से निकाले हुए इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन को ही हम लोग टेस्ट करेंगे ऑप्टिमम के लिए। यानी कि मोदी टेस्ट जब हम लगाएंगे ऑप्टिमल सॉल्यूशन है या नहीं है ये इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, तो हम VAM मेथड की मदद से ही वो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालेंगे एंड देन इसके बाद उसको टेस्ट करेंगे कि इट इज ऑप्टिमम और नॉट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप इस एक क्वेश्चन की मदद से ये जो वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड है ये आप लोगों को समझ में आई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट या क्वेरी रहती है तो आप जरूर हमसे ईमेल के माध्यम से पूछ सकते हैं। हम अपने अगले लेक्चर में एक ऐसी प्रॉब्लम लेंगे जिसको हम इन तीनों मेथड से सॉल्व करेंगे, यानी कि एक एडिशनल क्वेश्चन को हम इन तीनों ही मेथड से सॉल्व करेंगे, तो उस एक ही क्वेश्चन में तीनों मेथड फिर से आपको रिवाइज हो जाएगी स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हम जल्दी आपसे अपने अगले लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और जरूरतमंदों को इसके बारे में बताते रहिए। थैंक यू वेरी मच। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल।